मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टूडेंट, हम सभी सॉल्व करते हैं सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ की वर्कशीट क्लास फोर्थ की। हम यहाँ बात कर रहे हैं, वीक है हमारा फर्स्ट लेसन वन, गोइंग टू स्कूल। देखिए बच्चों, ये चैप्टर हम सभी ने हमारी जो बुक है उसमें से रीड आउट करा है, उसी की आज हम यहाँ वर्कशीट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम एनी फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर यूज्ड इन योर एरिया टू रीच स्कूल। बच्चों, आप अपने स्कूल जाने के लिए कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं यहाँ बताइए। जैसे हमारे यहाँ होता है टैक्सी, बस, ऑटो एंड ऑटो रिक्शा। ओके स्टूडेंट, आया सभी को समझ में? आप सभी अपने जो एरिया में जो जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उनका यहाँ नाम लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम देम। बच्चों, आप सभी को यहाँ आइडेंटिफाई करना है पिक्चर और यहाँ पे आपको इनके नेम लिखने हैं। पहला है बोट, ओके, एंड सेकंड वन इज, बच्चों इसे हम बोलेंगे कैमल कार्ट। ये है ऊंट गाड़ी, कैमल कार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, मैच द स्टेट विद स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड देयर। तो बच्चों देखिए, आप सभी को यहाँ पे अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नेम्स दिए गए हैं एंड आपको जगह का नाम बताया गया है। आप सभी को इनके जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं उनके यहाँ पे मैच करने हैं। राजस्थान कैमल कार्ट, लद्दाख ट्रॉली, गुजरात जुगाड़ व्हीकल एंड असम बैम्बू ब्रिज। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, व्हाई चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट एरिया यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच स्कूल। देखिए बच्चों, जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह से, वो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए। क्यों क्यों बच्चों, आप सभी को यहाँ बताना है। तो देखिए बच्चों, चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच स्कूल सो दैट दे कैन गो स्कूल daily and take proper education and fulfill their dreams। ठीक है बच्चों, समझ में आया? so that they can go टू स्कूल डेली एंड टेक प्रॉपर एजुकेशन एंड फुलफिल देयर ड्रीम्स। अब देखिए बच्चों, किसी बच्चे का ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे टीचर बनना है। तो बच्चों, घर बैठे तो कोई बन नहीं सकता है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एजुकेशन लेनी होगी, हमें पूरा गाइड देने वाला होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है क्या करना है। इसलिए हमें प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए और उसी से हम हमारा जो ड्रीम है, हमारा एम है, उसे हम फुलफ़िल कर सकते हैं। इसीलिए बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, नेम वन इको फ्रेंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल यूज्ड इन व्हीकल्स। ये है बच्चों हमारा CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। ये बच्चों एक ऐसा फ्यूल है जो व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स,
हु स्ट्रगल मोर इन रीचिंग स्कूल, चिल्ड्रन फ्रॉम नर्दर्न हिल्स और चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेन्स, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बच्चों देखिए, आपको बताना है कि जो नर्दर्न हिल्स के बच्चे हैं वो, या फिर जो बच्चे मैदानी इलाके में रहते हैं वो, किसको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। तो बच्चों आप सभी को पता है कि जो बच्चे नर्दर्न हिल्स में रहते हैं उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि बच्चों देखिए, वो बच्चे कभी नाव में बैठ करके नदी क्रॉस करके स्कूल जाते हैं, कभी वो लोग जो अपने बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उनको क्रॉस करके जाते हैं, कभी लोग वो लोग पुल को क्रॉस करके जाते हैं। तो बच्चों उन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्क में होती है, क्या पता कभी बर्फ़ का पहाड़ बह जाए, ठीक है, स्लाइडिंग हो जाए, या फिर नाव है, नाव में जो अपना ये होती है नदी, उसमें ज़्यादा पानी का बहाव आ जाए तो उससे हमारी नाव डूब जाए, ठीक है, कभी पुल हमारा ऐसा हो कि पुल टूट जाए, ठीक है, समझ रहे हैं। इस तरह से कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, फिर भी वो लोग बच्चों इतना रिस्क ले करके और स्कूल जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे चिल्ड्रन फ्रॉम नर्दर्न हिल्स स्ट्रगल मोर इन रीचिंग स्कूल बिकॉज दे हैव टू क्रॉस रिवर्स ब्रिजेस स्नो हिल्स रॉकी पाथ्स स्टूडेंट आप सभी को समझ में आया कि उन्हें रिवर ब्रिज स्नो हिल्स रॉकी पाथ्स जंगल्स ये सब उन्हें क्रॉस करना पड़ता है। दे हैव टू क्रॉस ऑल दीज एरियाज टू रीच देयर स्कूल देयर life is always in risk, उनकी लाइफ हमेशा बच्चों रिस्क में होती है, फिर भी वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, इतना स्ट्रगल करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लाइफ स्किल वीक फर्स्ट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के बारे में बच्चों आपको यहाँ मैं बताऊँगी। एयर पोल्यूशन होता क्या है? एयर पोल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेस डस्ट एंड स्मोक विच एडवर्सली इफेक्ट प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस। देखिए बच्चों, एयर पोल्यूशन जो है वो हार्मफुल गैसेस डस्ट एंड स्मोक का कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमंस को इफेक्ट करता है। इट ऑल्सो डैमेजेस द नेचुरल साइकिल ऑफ द अर्थ। और बच्चों ये जो हमारा नेचुरल साइकिल है अर्थ का, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी ख़राब करता है, डैमेज करता है। द डैमेज ऑफ द टू द एनवायरनमेंट इज़ कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड बाय केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़। बच्चों अब देखिए क्वेश्चन देखिए, इन प्रेजेंट सिनेरियो व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो बच्चों आप सभी को देखिए यहाँ बताना है कि कौन कौन से हमने मेजर्स लिए हैं ताकि एयर पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकें। तो देखिए बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी है, पेड़ उगाने हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ हमारा जो ये है पर्सनल व्हीकल्स, इनकी जगह हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से हमें कुछ कुछ जो मेजर्स हम इजीली ले सकते हैं बच्चों, वो मेजर्स हमें लेने हैं ताकि एयर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ग्रो और अडॉप्ट अ प्लांट हेल्प इन इट्स ग्रोथ एंड नर्चर इट।
देखिए बच्चों, आपको बोला गया है कि आपको एक प्लांट उगाना है और उसकी ग्रोथ में आपको हेल्प करनी है। तो बच्चों देखिए, आपको पता होगा कि जो हम पेड़ पौधे उगाते हैं, इनसे हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो हमें हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट रखने के लिए हमें प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आप सभी को एक एक पेड़ उगाना है और उसको ग्रोथ में आपको उसकी हेल्प करनी है। जैसे पहले आपने एक सीड को सॉइल में डाला, ठीक है, उसमें फिर आपने वाटरिंग करी, फिर वो पेड़ बीज से पौधा बना, पौधा से पेड़ बना, तो उसके जो भी प्रोसेस है ग्रोथ में, उसमें आपको उसकी हेल्प करनी है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? तो देखिए बच्चों, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद बच्चों।